मेरे पास में बहुत से पति लोगों के आए दिन ये सवाल आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और उस केस के अंदर हमें बिना वजह परेशान होना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे और ऑलरेडी हम चक्कर भी लगा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उस केस के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, हम जाना छोड़ना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कब आपको कोर्ट में जाना है और कब नहीं जाना है। मेंटेनेंस केस रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है या फिर करने वाली है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, पूरे फायदे का वीडियो है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पत्नी जब दहेज का झूठा केस करती है तो उस केस के अंदर तो पति का ये कहना होता है कि इस केस के अंदर हम जाते हैं, यानी कि हम भी जाते हैं और हमारे परिवार के सदस्य भी जाते हैं, रिश्तेदार भी जाते हैं, यानी कि जिनका नाम भी केस के अंदर होता है सभी को जाना पड़ता है, क्योंकि इस केस के अंदर ज़्यादातर पुलिस का रोल होता है। FIR होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस भी बयान लेती है तो कोर्ट के अंदर भी बयान देने पड़ते हैं, इस वजह से इस केस के अंदर जाना पड़ता है। पर सबसे मेन बात आती है 125 CRPC मेंटेनेंस केस की, या फिर DV केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, या फिर HMS सेक्शन 24 मेंटेनेंस का केस डालती है, तो क्या इस केस के अंदर भी हमें जाना पड़ेगा या फिर बिना जाए भी हमारा काम हो जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो इस केस के अंदर सबसे पहले आपको अपने वकील को खड़ा करना है, यानी कि अपनी साइड से वकील साहब खड़ा करके उस केस के अंदर एक मजबूत रिप्लाई पेश करना है, एक मजबूत जवाब देना है, यानी कि पत्नी जिन आधारों से अपने से मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उसकी काट के जितने भी जॉब अपने पास में है, एक रिप्लाई है अपने पास में, वो अपने को वहाँ पे पेश करना है कि इस वजह से इस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। अब आगे मैं यहाँ पे आपको दो डेटे बता देता हूँ, दो तारीखें ऐसी बता देता हूँ जिनके अंदर पति का जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेंटेनेंस केस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर दो डेटों के अंदर पति का जाना बहुत ही ज़रूरी है। पहली डेट तो कौन सी है? पहली डेट ये है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन चीफ हो, तब पति की उपस्थिति वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि पति जो हमें सवाल वगैरह होंगे जो भी निचोड़ होगा क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन चीफ के जरिए से ही कोर्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है जिसके अंदर पति का प्रेजेंस होना, उपस्थित होना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा, जब कोर्ट के अंदर एविडेंस स्टेज आती है, सबूतों की बारी आती है, तो पति को जब अपनी साइड से सबूत पेश करने होते हैं कि इस आधार से इस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, तब पति को वहां पे उपस्थित होना है, अपनी साइड से जितने भी अपने पक्ष के एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर लगाने हैं, कोर्ट को कन्विंस करना है, जिससे पति का इस स्टेज के अंदर भी उपस्थित होना जरूरी हो जाता है। इस स्टेज से ही पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचते हैं। ये दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इनके अंदर पति को मेंटेनेंस केस के अंदर जाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जितनी भी तारीखें मेंटेनेंस केस के अंदर पड़ती है उनके अंदर पति का जाना इतना जरूरी नहीं होता है, उनके अंदर जो पति की साइड से वकील होते हैं वही अपनी बातें रख लेंगे, वही पति की तरफ से उपस्थित हो जाएंगे। पति की साइड से जो एडवोकेट यानी कि वकील होते हैं इसी वजह से केस के अंदर खड़े किए जाते हैं कि जब पति वहां पे नहीं आए तो पति की साइड से वो बात रख सके। तो इन दो डेटों के अलावा जितनी भी डेटें कोर्ट के अंदर पड़ती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है कि पति का वहाँ पर जाना जरूरी हो। तो हमें पति लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो अपने वकील साहब को बोल दो, अति आवश्यक काम आ गया है, जो भी उनकी सिचुएशन है, भाई किस वजह से वो कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो जो भी रीजन एप्लीकेशन है वो वहाँ पे देके पति की साइड से उपस्थित हो जाएंगे, पति को वहाँ पे उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बहुत से पति क्या करते हैं, जब मेंटेनेंस केस का उनके पास में नोटिस आता है, उनको पता चलता है कि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है, तो उसके अंदर उपस्थिति नहीं होते हैं, उनको पता होता है तब भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसा पति को नहीं करना है, अपना वकील साहब वहाँ पे जरूर खड़ा करना है, उस केस के अंदर रिप्लाई जरूर देना है। क्योंकि अगर ऐसा पति नहीं करेंगे, पति को पता है तब भी अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो पत्नी एक समय के अंदर पति के ऊपर एक्स पार्टी मेंटेनेंस का ऑर्डर भी करवा सकती है, जिससे पति के ऊपर मेंटेनेंस लग सकता है। तो इस वजह से जब पति को पता है कि पत्नी खुद ही गलत है, इसको मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, तो पति को वहां पे मजबूती से बात रखनी है अपने वकील साहब के जरिए से। तो मेंटेनेंस केस के अंदर अनावश्यक जाना छोड़ दो, केवल महत्वपूर्ण डेट के अंदर ही जाओ, आपका काम तब भी हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, इस मैटर में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो WhatsApp पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।